मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ड्राइवर का बेटा है, एक मैकेनिक का बेटा है, तो मैं ये सोच रहा था कि दोनों को यहीं घर पे बुला के पढ़ा दिया करूंगा। मुझे सब पता है शर्मा जी, आप किसी को कहीं भी पढ़ाइए लेकिन इस घर में नहीं पढ़ाएगा। अरे मेरी हाई फाई फ्रेंड आई हुई है अलाहाबाद में, कभी भी हमारे घर आ सकती है। अब घर आएंगी और यहाँ पे इस तरह के लोग देखेंगी तो क्या सोचेगी कि किस किस तरह के लोग हमारे घर आते हैं। क्यों, उन बच्चों में कोई बुराई है क्या? साधना देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इंसानों को इंसानियत की नजर से देखना चाहिए, पैसे की नजर से नहीं देखना चाहिए। अरे भाई बच्चे हैं, आज पढ़ाई लिखाई करेंगे, कल उनका भी भविष्य उज्जवल बनेगा, पैसा कमाएंगे, समाज में उठने बैठने के लायक बनेंगे। वही तो, जब ऐसा होगा तब उन्हें घर बुला लेंगे, फिलहाल नहीं। समझे आप, मुझे सब पता है। साधना लेकिन मेरी बात तो सुनो साधना। मैम साहब, हमने कितनी बार साफ किया लेकिन बार बार दाग लग जाता है चारों तरफ देख के। मुझे सब पता है, ये शरारत तो मुझे उन बच्चों की लग रही है, ये निशान तो बच्चों की तरफ ही ध्यान खींच रहे हैं। I'm pulling that side. चलो बच्चों, कल फिर से आ जाना टाइम पे पढ़ाई करने के लिए। हा? चलो जाओ। क्या है ये सब शर्मा जी, ये सब दाग निशान, ये सब क्या है? हा? पूरा घर गंदा कर दिया आपने, सुबह से बेचारा साफ कर रहा है। शर्मा जी, अगर आप ये जान पूछ कर रहे हैं ना, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा ऐसा हुआ ना, मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। नो वन इज गुड फॉर मी, समझे आप? हटिए यहां से। मेरी बारी, मेरी बारी। कंचे खेल रहा हूँ, बहुत मस्त गेम है, मॉम को मत बोलना। कंचे खेलेगा? कंचे खेलेगा तू? हाँ, बहुत मस्त गेम है ना, मैं खिला दूँ तेरे को गेम। चल घर, मैं बताती हूँ तेरे को। चल तू। शर्मा जी, चल चल चल। शर्मा जी, शर्मा जी। क्या हुआ साधना? देख लिया उन बच्चों को घर में लाने का नतीजा, साइड इफेक्ट्स डायरेक्ट रवि पे पड़ रहे, कंचे खेल रहा था उनके साथ। अरे तो कंचे खेलना कौन सी बुरी बात है? अरे वाह शर्मा जी, आज कंचे खेल रहा है, कल उनकी भाषा बोलेगा बस्ती वाली, हाउ लाइक दैट। बस बहुत हो गया, बस भी करो आप। बस तो मैं कर दूंगी, लेकिन वो बच्चे इस घर में इनकमिंग नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगा उन्हें यहाँ पर, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे रहते रहते मैं उन्हें कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा नहीं पाता हूँ, मना कर दूंगा मैं उन्हें। अब तो खुश? आपको तो पता है कि गोपाल इन बच्चों को मना तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। हाँ तो मैं तुम दोनों से ये कहना चाहता था कि तुम दोनों जो है कल हमारे घर पे खाना खाने के लिए आना, अपनी फैमिली के साथ आना। ये तुम क्या कर रहे हो गोपाल, चुप। कल हम जरूर आएंगे। रुको रुको, हेलो, मायसेल्फ साधना शर्मा फ्रॉम होम स्पीकिंग। अरे आशा, कैसी है तू? मैंने तो तेरे फोन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा कर, कल आ जा लंच पे। हाँ हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अरे वाह, सहेलिया, आप उन बच्चों को और उनके माँ बाप को फोन करके मना कर दीजिए, मुझे नहीं पता, डू समथिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगा, नहीं। तो ठीक है, मैं ही अपनी सहेली को फोन कर लेती हूँ और उसे आज रात को ही खाने पे बुला लेती हूँ। आप अपने बच्चों को और उनके माँ बाप को कल बुला लीजिएगा लंच पे। हेलो, हाँ आशा, हाँ स्पीकिंग स्पीकिंग साधना। अच्छा हाँ 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 हाँ, पक्का 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 आ जाएंगे। हाँ हाँ, तू टेकिंग केयर कर। ओके ओके, बाय बाय। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ। अरे शर्मा जी, आशा का ही फोन था, वो हमें अपने घर बुला रही है और वहीं से हम लोग सब कहीं डिनर पे चले जाएंगे, ऐसा वो कह रही है। चलो अच्छा हुआ ना, तो टायर ही पंक्चर हो गया। अरे शर्मा जी, अब क्या करेंगे, मतलब हमें तो लेट हो जाएंगे ना, यहीं पे 6 बज जाएंगे अभी। मुझे अभी भी याद आया, वो प्यारे है ना, प्यारे उसके पिताजी मैकेनिक है, उनके गैराज यहीं कहीं आसपास है, ऐसा करते हैं वहां चलते हैं, वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। शर्मा जी, फंसा दिया आपने मुझे, चलिए। नमस्ते, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूं। नहीं नहीं, हम पानी पी के आए। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। प्यारे जाओ, अपने बापू को बुला के लाओ, जल्दी जाना। 6:30 हो गए शर्मा जी, हम बहुत लेट हो जाएंगे। साधना, अभी जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा। नमस्कार जी, मैं प्यारे का पिता। अरे भगवान, ये समोसे लाया हूँ।
चाय के साथ दे देना। लीजिए चाय पीजिए। नए कप रखे थे मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। शर्मा जी 7:20 रह गए, बहुत लेट हो जाएंगे। साधना तुम ऐसा करो, तुम जरा फोन तो करो अपनी सहेली को, एक बार करके देखो। आशा, हाँ आशा, वो हम बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ बस पहुंच रहे हैं। क्यों? क्या? अच्छा क्या हुआ? वो आशा का अपनी दूसरी सहेलियों के साथ प्रोग्राम बन गया फिल्म देखने का, वो तो आधा घंटा पहले पिक्चर हॉल भी चली गई है। दरअसल वो तुम्हारी दोस्त है ही नहीं। हाँ, इसलिए जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए दुखी होने का कोई फायदा। और एक बात और, पैसा और स्टेटस ये जिंदगी नहीं है, प्यार और इंसानियत ये जिंदगी। हाँ मुझे सब पता। सर आपकी गाड़ी तैयार हो गई है। देखा गोपाल, आखिर साधना को पैसे और इंसान में फर्क समझ आ गया। तुम्हें कैसे पता? देख लो। कल लंचिंग के लिए ना सब एकदम टाइम पे आ जाना, साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ अगर मेरा खाना ठंडा हो गया और लेट हुए तो नो एक्सक्यूजिंग। मुझे सब पता है। बाल गोपाल तुम धन्य हो।